अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 15 टेंथ फिजिक्स में उसके बकाया न्यूमेरिकल्स करने हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं हमें क्या कहा गया है। 15.3 गिवन डाटा हम उसका देखेंगे। इसमें गिवन डाटा में हमें क्या कुछ बताया गया है। ठीक है, कहता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एक ट्रांसफार्मर हमारे पास कौन सा एपिडेंट स्टेप डाउन है। हैज टर्न रेशियो ऑफ 100:1 यानी 100:1 बेटा उसमें टर्न रेशियो पाई जाती है। एंड एसी वोल्टेज ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ 170 वोल्ट। एसी वोल्टेज जिसकी एम्पलीट्यूड का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू जो है उसकी वो कितनी है बेटा, 170 वोल्ट है। कितनी है बेटा, 170 वोल्ट। इज अप्लाइड टू द प्राइमरी, प्राइमरी कॉइल के ऊपर जो वोल्टेज अप्लाई किया गया है वीपी जिसको कहते हैं वो कितना है, 170 वोल्ट है। ठीक है, अच्छा इफ द करंट इन द प्राइमरी इज 1 मिली एम्पेयर। अगर करंट प्राइमरी का कितना है बेटा, 1 मिली एम्पेयर है। और व्हाट इज द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में करंट कितना होगा बेटा। ठीक है, मैकल समझ आ गया। कहता है कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसमें हमारे पास टर्न रेशो जो पाई जाती है 100:1 है और प्राइमरी पे जो वोल्टेज हमने अप्लाई किए हैं वो 170 वोल्ट की पीक वैल्यू बेटा है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। आपने बताना ये है कि अगर प्राइमरी में से 1 मिली एम्पीयर का करंट फ्लो कर रहा है तो सेकेंडरी में से कितना करंट फ्लो करेगा। बात समझ आ गई, ये कुछ बातें बताई गई हमें। अब हम इनको डाटा में लिखते हैं। सबसे पहले हमें टर्न रेशो बताई गई है। टर्न रेशो का मतलब है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और इसके अगर हम रेशो निकालना चाहें तो वो कितनी होगी बेटा, 100:1 यानी कि इस तरह से लिखते हैं बेटा। बात समझ आ गई, स्टेप डाउन में प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल ज्यादा होते हैं और नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल क्या होते हैं बेटा, कम होते हैं। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है बेटा ये। ठीक है, उसके बाद 100 ही बच जाएगा। अच्छा, उसके बाद उसने बताया कि जो प्राइमरी पे वोल्टेज जो हमने अप्लाई किया VP और वो कितना है बेटा, 170 वोल्ट। कितना है भाई, 170 वोल्ट। ठीक है, फिर उसने हमें बताया कि भाई आपके जो करंट फ्लो कर रहा है इन द प्राइमरी कॉइल वो कितना है, 1 मिली एम्पेयर। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1 × 10⁻³ एम्पेयर। बात समझ आ गई, ये हमारा डाटा गिवन है। अब हमें मालूम क्या करना है, टू फाइंड हमारे पास क्या है, देखते हैं। हमने सेकेंडरी करंट मालूम करना है, सेकेंडरी कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है IS, उसकी वैल्यू हमने मालूम करना है बेटा। कैलकुलेशन करेंगे इसके लिए। अच्छा बेटा, अब हम पूरे ट्रांसफार्मर में हमने करंट को सिर्फ इसके लिए पढ़ा था कि इनपुट पावर बराबर है आउटपुट पावर के लिए बेटा। ठीक है, याद है ये बातें। तो उसमें हमने कहा था कि भाई अब हम क्योंकि IS मालूम करना है तो हम वो वाला फार्मूला लगाने की कोशिश करते हैं बेटा। ठीक है, हमने इनपुट पावर एन आइडियल ट्रांसफार्मर, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। इनपुट हमें कहाँ से मिलता है, प्राइमरी कॉइल से। तो पावर का जो फार्मूला होता है IV के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे इनपुट पावर के लिए IP और VP बन जाएगा बेटा। ठीक है, आउटपुट पावर क्या बन जाएगा, IS और VS बेटा। बात समझ आ गई। तो अब देखो, अगर हमने IS मालूम करना है तो हमें IP, VP और VS की वैल्यू पता होनी चाहिए। समझ आ गई बेटा बात। लेकिन अब हमें VS की वैल्यू तो पता ही नहीं है तो हम वो फार्मूला, फिलहाल ये फार्मूला भी इस हालत में नहीं लगा सकते बेटा। हम क्या करते हैं, बस आराम से IS की वैल्यू बनाते हैं। यहाँ से IS इज इक्वल टू IP VP over VS, ये फार्मूला बनाते हैं। और इसके लिए अब हम IP की वैल्यू हमें पता है, VP की वैल्यू हमें पता है, VS की वैल्यू पहले मालूम कर लेंगे बेटा। बात समझ आएगी नहीं आई। अब हम देखेंगे VS की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे। हम फार्मूला यूज करेंगे टर्न रेशो वाला। ट्रांसफार्मर की जो टर्न रेशो का जो फार्मूला है, टर्न रेशो वो होती है बेटा NP over NS is equal to VP over VS बेटा। बात समझ आ गई। इस NP और NS का फार्मूला तो आपको पता है क्या, कितनी वैल्यू बेटा, 100 या 100/10
ओवर वन। बीपी की वैल्यू आपको वैसे ही पता है कितनी है बेटा, 170 ओवर वीएस की वैल्यू आपको मालूम करनी है, ठीक है। तो अब देखो, अगर आपने वीएस की वैल्यू मालूम करनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, इसको उठा के उधर ले और इसको उठा के उधर ले जाए, तो बनेगा वीएस इज इक्वल टू 170 ओवर 100। बात समझ आ गई? तो पता चला कि भाई आपका जो इनपुट वोल्टेज था वो 100 टाइम डिक्रीज होके आपके आउटपुट पे आपको मिल जाएगा और 1.7 वोल्ट उसकी वैल्यू होगी, 1.7 वोल्ट उसके लिए वैल्यू होगी बेटा। बात समझ आ गई? किसी को ये बात समझ नहीं जरा, इनपुट वोल्टेज कितना था 170 और आउटपुट वोल्टेज कितना मिल रहा है, क्योंकि ट्रांसफार्मर कौन सा है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बेटा। जितने टाइम इसके नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे उतने टाइम इसके वोल्टेज कम हो जाएंगे बेटा आउटपुट पे बेटा, ठीक है। अब देखो, अब ये वीएस की वैल्यू आ गई, हम इस इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बेटा। तो आईएस की वैल्यू हम मालूम करेंगे, अब देखना आपकी ये वैल्यू कितनी थी, आईपी की वैल्यू कितनी थी, 1 मिली एम्पेयर। अब आईपी का वोल्टेज ज्यादा था और VS का वोल्टेज कम है, तो करंट की वैल्यू आई एस की कितनी होगी बेटा, ज्यादा होगी इसके मुकाबले बेटा, ठीक है। क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि आपका जो ट्रांसफार्मर में तो ओम लॉ वैलिड नहीं होता, करंट और वोल्टेज में इनवर्स रिलेशन होता है बेटा, ठीक है। आई एस इज इक्वल टू आई पी की वैल्यू 1 × 10⁻³ और वीपी की वैल्यू बेटा कितनी है, 170, और डिवाइड कर देंगे बेटा किसके ऊपर, 1.7 के ऊपर, ठीक है। इसको करें जरा सॉल्व, 0.1 एम्पेयर बेटा, ठीक है। तो ये आई एस देखो, हमने देखा कि 0.1 एम्पेयर ग्रेटर होता है 1 मिली एम्पेयर से। अगर 1 मिली एम्पेयर को लिखना चाहे तो हम ऐसा नहीं सकते हैं कि 0.001 एम्पेयर, बताओ ये वाली वैल्यू ज्यादा है, ये वाली वैल्यू ज्यादा है, ये वाली ज्यादा है और ये वाली कम है, क्योंकि इसका वोल्टेज ज्यादा है और इसका वोल्टेज कम है, तो इसका करंट क्या है बेटा, ज्यादा होगा। किसी को बात समझ नहीं, जरूर समझ, न्यूमेरिकल समझ आ गया बेटा। चल इसे आगे वाला न्यूमेरिकल, आखिरी न्यूमेरिकल हम देखते हैं। अब हम देखते हैं फोर्थ न्यूमेरिकल इस चैप्टर का, कहते हैं ए ट्रांसफार्मर इज डिजाइन टू कन्वर्ट वोल्टेज 240 वोल्ट एसी मेन टू द 12 वोल्ट। अब हमें ये बंद नजर आ रहा है, ये एक आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, इसमें आप इनपुट वोल्टेज यानी प्राइमरी पे जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो कितना होगा बेटा, 240 वोल्ट, और आउटपुट पे आपको वोल्टेज कितना मिलेगा, 12 वोल्ट बेटा, ठीक है। हाँ, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। हैज 4000 टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है बेटा, 4000 टर्न्स है बेटा। हाउ मेनी टर्न्स शुड बी ऑन द सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल के ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होगी, ठीक है। इफ द ट्रांसफार्मर वर 100% एफिशिएंट, अगर ट्रांसफार्मर क्या हो बेटा 100% एफिशिएंट हो, विच व्हाट करंट वुड फ्लो थ्रू द प्राइमरी कॉइल व्हेन द सेकेंडरी कॉइल वाज, करंट इन द सेकेंडरी कॉइल वाज 0.4 एम्पीयर बेटा। बताता हूं कि 100% एफिशिएंट का मतलब ये होता है कि वो आइडियल ट्रांसफार्मर है, वो क्या है बेटा, जिसकी इनपुट पावर और आउटपुट पावर आपस में क्या है बेटा, इक्वल है। बात समझ आ गई? तभी उनकी एफिशिएंसी अगर हम निकालेंगे तो फिर एफिशिएंसी कितनी होगी बेटा, 1 निकलेगी, और परसेंटेज एफिशिएंसी निकालेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 100% आ जाएगा बेटा। बात समझ आ गई? तो अब हम ये कुछ डाटा है हमें बताया गया है उसको हम जरा करने की कोशिश करते हैं। कहता ये है भाई, आपके पास एक ट्रांसफार्मर जिसकी इनपुट वोल्टेज कितना है बेटा, आईवीपी का नाम देंगे जिसको हम, वो 240 वोल्ट्स होंगे, और आपको आउटपुट पे जो वोल्टेज मिलेंगे सेकेंडरी वोल्टेज पर वो वीएस होंगे और वो 12 वोल्ट होंगे बेटा, ऐसे है ना भाई, ठीक है। फिर वो कहता है नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल कितने हैं आपके पास, 4000। बात समझ आ गई? टर्न्स। फिर वो कहता है कि भाई आपका जो सेकेंडरी कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है, 0.4 एम्पीयर। बात समझ आ गई? अब बताओ जरा, आपने बताना यह टू फाइंड आपके पास ये है कि टू फाइंड आपके पास ये है कि भाई आपने मालूम क्या करना है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल
एंड आईपी प्राइमरी कॉइल का करंट आपने मालूम करना है, दो पार्ट आपने दो चीजों का सोल्यूशन करना है बेटा, ठीक है। अब करेंगे इसके लिए कैलकुलेशन, क्या करेंगे भाई, कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करेंगे जरा देखिएगा, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैलकुलेशन हमारे लिए बड़ी आसान है बेटा। अभी हम देखते हैं, हमें अभी पढ़ा था फार्मूला टर्न रेशो का बेटा, टर्न रेशो का फार्मूला था एन एस ओवर एन पी इक्वल टू बी एस ओवर बीपी, है कि नहीं बात ऐसे। अब आप तो जो माशाल्लाह से पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो अब आपने क्या करना है, बी एस की वैल्यू पता है, बीपी की वैल्यू पता है, एन पी को पता है, एन एस की वैल्यू आपने मालूम कर लेनी है। ये बन जाएगा एन एस is equal to Vs over Vp multiply Np, बात है कि नहीं ऐसे? Yes, sir. तो आपका ये फार्मूला बन गया। अब आप इसमें करने वैल्यूज पुट, वैल्यूज देखो, Vs की वैल्यू कितनी है बेटा 12 और Vp की वैल्यू कितनी है 240 multiply Np की वैल्यू कितनी है 4000, एक जीरो इससे कैंसिल हो गया बेटा। फिर आप सॉल्व करेंगे बेटा, एन एस की वैल्यू कितनी आएगी 200 टन आ रहे, क्योंकि ये 12 ये 2 और ये 200, बात समझ आ गई, 200 टन। एन एस की वैल्यू कितनी आ गई, नंबर ऑफ टन 200 टन बेटा, ठीक है। अब देखो जरा गौर से, आपके जो नंबर ऑफ टन प्राइमरी में 20 टाइम्स ज्यादा है, कितने टाइम्स ज्यादा है बेटा 20 टाइम्स ज्यादा है, इसलिए फिर आपका जो वोल्टेज की जो वैल्यू है वो भी 20 टाइम्स कम है सेकेंडरी में बेटा। जहां पे 20 टाइम्स ज्यादा है वहां पे 20 टाइम वोल्टेज भी ज्यादा है, जहां पे 20 टाइम आपके नंबर ऑफ टर्न्स कम है वहां पे वोल्टेज की वैल्यू भी 20 टाइम्स कम है बेटा, बात समझ आ गई। अब इसी तरह करंट की वैल्यू सेकेंडरी में, क्योंकि नंबर ऑफ वोल्टेज की वैल्यू जो है आपकी सेकेंडरी में वो कम है, करंट की वैल्यू क्या होगी ज्यादा, और प्राइमरी में वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा है तो करंट की वैल्यू इसके मुकाबले में कम होगी बेटा, वो हमने मालूम करना, देखेंगे इसके मुकाबले में कम आती है कि नहीं आती बेटा, ठीक है। हम सेकंड पार्ट के लिए सॉल्यूशन करते हैं, हम कहेंगे क्योंकि आपका जो सिस्टम है या आपका ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट है, इसकी इनपुट पावर और आउटपुट पावर आपस में क्या होंगे बेटा इक्वल। तो अगर हम कहें कि पावर का जो फार्मूला था V इज इक्वल टू आई वी और ये भी V इज इक्वल टू आई वी, ये इनपुट पावर है तो ये आई पी और ये वी पी बन जाएगा, ये आउटपुट पावर आई एस और ये वी एस बन जाएगा बेटा। आपने किसकी वैल्यू मालूम करनी है, आई पी की, ठीक है। वी पी को तो जाकर डिवाइड कर देंगे, तो ये आई पी इज इक्वल टू आई एस इंटू वी एस ओवर वी पी, वी पी, बात समझ आ गई बेटा। इसमें वैल्यूज पुट कर दें, आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, जरा देखते हैं क्या होगा। आई पी इज इक्वल टू आई एस की वैल्यू कितनी है 0.4 और वी एस की वैल्यू कितनी है 12 और बेटा वी पी की वैल्यू कितनी है अभी आप बताइए 240। देखो बेटा ये आंसर आया 20, ठीक है, और जब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.02 एम्पीयर, है कि नहीं बात ऐसे? तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास बन सकता है ये 20 मिली एम्पीयर, यही आएगा सर, यही आएगा आंसर, है यही है, ठीक है बेटा, ये आपका आंसर बन जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, कोई प्रीफिक्स यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, मिली का प्रीफिक्स आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई बात ज्यादा समझ आए जरा पूछ लो बेटा, हो गया ना। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द लेक्चर यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।